मेरी मम्मी को मेरे को मनाना होता है ना, तो वो मेरी फेवरेट फेवरेट चीज़ें बनाती हैं जो मैं इजीली खा लेती हूँ। तो आज मेरी मम्मी ने बनाया है लिट्टी चोखा। उन्होंने मुझे घी सर्व किया है। ये दिस इज़ ग्रीन चटनी, हरी चटनी, और ये है लिट्टी आई थिंक, है ना। और इसको हम कहते हैं चोखा, जो इसका रेसिपी मेरी मदर आपको बता देंगी। तो हम सबसे पहले इसमें घी डाला जाता है भर भर के। तो देखो ये बिहारी डिश है तो इसे हाथ से ही खाया जाता है, बट वो थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है इसलिए मैं स्पून से ही खाती हूँ। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कैसा बना है। एक बारी मेरे घर पर आकर ये खा के देखो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कहीं मिल ही नहीं सकता। ये ये मसाला है ओके। इसमें प्याज, हरी मिर्च और सत्तू, जो कि बहुत ही ताकतवर चीज़ है। इसके बाद नींबू का रस, नमक, अजवायन, कलौंजी, ऐसी चीजें ऐड की और ये क्या है और इनमें? ये आटा है, इसमें थोड़ा सा मोयन, अजवायन और नमक, ये डालकर 15 मिनट पहले गूंदा था, और फिर इसे सॉफ्ट आटा रखना है। ये चोखा है, इसमें आलू, बैंगन और टमाटर, प्याज, लहसुन, प्याज नहीं, लहसुन और हरी मिर्च ये डाला है। एक की वजह से जल गए हैं, अब इन्हें मैं ठीक कर रही हूँ। देखिए कैसे ठीक कर रही हूँ, ये मैंने ठीक कर लिया है। ठीक ऐसे कर रही हूँ कि ये भी काम आ जाए। बस इन्हें थोड़ा सा ऐसे क्रश कर दूंगी तो ये ऊपर की लेयर हट जाएगी और ये दिखने में बुरे नहीं लगेंगे। अंदर तक तो सेक नहीं पहुंचा पर ऊपर की परत काफी खराब लग रही है। दिस इज बिफोर ना, आफ्टर दिखाओ। आफ्टर ये है, ये तैयार हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट देखिए, डन। ऑलमोस्ट डन। अच्छे से पेट भरता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। नमस्ते।